नमस्कार सर, सभी का स्वागत है। बात करेंगे सरकारी बैंक बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आज के दिन एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ आया है बॉन्ड को लेकर, जिस वजह से स्टॉक्स में आपको 3.5% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ये बॉन्ड क्या है? तो देखिए, यहाँ पे का जो सरकारी बैंक है वो 5,000 करोड़ की ना फंड रेसिंग करने जा रही है, और ये बॉन्ड के जरिए किया जाएगा। तो बॉन्ड में क्या रहता है? बॉन्ड में ना ईयरली बेसिस पे ना पेमेंट करना रहता है, इंटरेस्ट पेमेंट करना रहता है, कूपन का रेट देना रहता है। तो 7.41% ना कूपन रेट फिक्स किया गया पर एनएम के हिसाब से, और इसमें ओपनिंग जो डेट है वो 27 नवंबर का है, और इसमें नंबर ऑफ बिड्स रिसीव्ड जो रहेंगे वो 97 का रह सकता है, और इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशू कर रही है वो ना 5 लाख का है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे ना अनाउंसमेंट किया गया है, जिस वजह से स्टॉक्स में आपको 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, मार्केट के अंदर अगर बात करें तो जो एक तरह से नेगेटिविटी फैली हुई थी वो खत्म हो चुकी है। अभी अडानी के स्टॉक्स फिर दोबारा आज के दिन भी अच्छा खासा मोमेंट लेकर ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे फिर दोबारा मोमेंट बना हुआ है। दिक्कत कभी आएगी तो इंटरनेशनल मार्केट से आएगी, यूएस के मार्केट से आ सकती है। फिलहाल तो हमारा मार्केट अभी धीरे धीरे मजबूती के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो आज के दिन इंडिया विक्स पे देखोगे तो वो भी 3.5% गिर चुका है। तो इंडिया विक्स जब गिरता है तो मार्केट के अंदर मजबूती का ट्रेंड मिलता है। तो हमारा सपोर्ट जो रहेगा वो 110 रुपये का रहेगा। पहला फोकस, पहला टारगेट जो रहेगा वो 120 रुपये का रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा 130 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया, चैनल परिवार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बस आपको रिकमेंडेशन ही, जय हिंद।